अमृतसर इंटेंशन क्या है? You are now unmuted. Good morning, everyone. Good morning, Divya. ओके तो ये पार्ट आपका डिस्टेंस इन डायरेक्शन में रिमेनिंग था, कोडेड पार्ट. ओके तो आपका कोडेड डिस्टेंस इन डायरेक्शन रिमेनिंग था एंड कोडेड ब्लड रिलेशन रिमेनिंग था. तो आज इस टॉपिक को कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम लोग कल ब्लड रिलेशनशिप का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कर लेंगे, वो भी आपका टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा. ठीक है? ओके, कोडेड से आप लोग क्या समझते हो बताओ मुझे. वर्ड कोडेड से आपको क्या समझ में आता है? गुड मॉर्निंग दीपाली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कोडेड? करेक्ट, कोडेड मीन्स मुझे अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, अगर मुझे आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, और हमारी आम नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो हिंदी है या इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम उस बात को हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कम्युनिकेट ना करके किसी और लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें जिसका मीनिंग ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो हो जाता है एक तरीके से कोडेड चीज़. ठीक है, कोई चीज़ आपको कन्वे करना इन द सेंस कि वो लैंग्वेज का यूज़ करना ना जिसके बारे में आप जानते हैं ना जिसके बारे में मैं जानता, ठीक है, बट हमने उसको यूज़ किया है इन ऑर्डर टू हाइड दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम समवन. ठीक है, इसको बोलते हैं कोड करके किसी चीज़ को करना. ठीक है, जैसे आपने आपके पासवर्ड्स देखे होंगे, आप लोग सोशल मीडिया पे हो तो वो पासवर्ड्स कैसे रहते हैं आपके? इनक्रिप्टेड रहते हैं ना, इनक्रिप्टेड रहते टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स. तो कोडेड का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टली आपको कोई चीज़ कन्वे नहीं करना, बट एक अलग सेंस में, अलग लैंग्वेज में सिंपल चीज़ को ही कन्वे करना, बट नॉट यूजिंग द सिंपल लैंग्वेज. करेक्ट? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. ओके, अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको जनरली ये चीज़ पता होगी, हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं इसमें इस तरीके से. आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चन से क्वाड्रेंट बेसिस पे ही सॉल्व किया होगा, यस और नो? आप लोगों ने इससे पहले जो भी क्वेश्चंस करे होंगे, रोटेशनल बेस और आपके शैडो बेस क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चंस, उसमें आपने क्वाड्रेंट का यूज किया होगा, यस और नो? सर वाला सिंबल्स यूज करते हैं कोडिंग के लिए. ओके ओके, तो ये आपका जनरली क्या रहता है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चीज को आपको रिप्लेस करना है, कोई भी पर्टिकुलर सिंबल्स यूज करे जाएंगे. जैसे कि यहां पर क्या लिखा है,
ओके यहाँ पर अगर आपको लेफ्ट राइट दिया है तो ये अलग चीज है। स्टार का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एक्स स्टार वाई का मीनिंग ये है कि एक्स क्या है यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन है, दिस फर्स्ट पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। इस वाले अगर आप एक्सप्रेशन में देखो तो एक्स इज द फर्स्ट पर्सन वाई इज द सेकेंड पर्सन, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ो सो दैट आप इसको इजिली कन्वर्ट कर पाओ, दैट फर्स्ट पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। करेक्ट। हैश का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन इज टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो हैश को आप यहाँ पर पुट कर सकते हो सिंबल को, ठीक है, और यहाँ पर पुट कर सकते हो 5, कोई दिक्कत किसी को। सिमिलरली एक्स एट द रेट वाई का मतलब क्या है कि एक्स द फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकेंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। करेक्ट। अब परसेंटेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक्स इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, दैट इज फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। तो फर्स्ट पर्सन आपका यहाँ आएगा मतलब ये नॉर्थ में, तो परसेंटेज आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 9। इज दैट ओके। नॉर्थ वेस्ट, ओके आंसर दे रहे हो आप, ठीक है, वेरी गुड अंजलि, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, बी एट द रेट डी का मतलब क्या है, अब आप इसको यहां पर बना लो, बनाना चाहो तो, ठीक है, बी एट द रेट डी का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन दैट इज बी इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन, बी इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन, तो आप यहां पर लिख सकते हो, यहां पर आपका डी आ जाएगा और इसके राइट पे कौन आ जाएगा, बी। करेक्ट। एट द रेट का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है आपका 3 मीटर पर। करेक्ट। बी इज टू द राइट ऑफ डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। परसेंटेज का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ ऑफ सेकंड पर्सन, तो डी आपका कहाँ है, नॉर्थ में है बी के, तो यहां पर बी आ जाएगा नीचे और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 9 मीटर। करेक्ट। उसके बाद हैश एच, हैश का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द साउथ ऑफ सेकंड पर्सन, मींस वी इज टू द साउथ ऑफ एच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो एच आप देखो कहां प्लेस करोगे यहां पे, एच इसको मैं रिमूव करता हूं 9 को, एच आपका यहां पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 और ये रिमेनिंग ऊपर हो जाएगा आपका 4, इसको मैं अलग से यहां पर सिंबल करके लिख देता हूं, ठीक है। देन क्या है, एच एट द रेट के, एच एट द रेट का की मीनिंग क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एच इज टू द राइट ऑफ के, तो के आपका यहां पर आ जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 मीटर। इज दैट ओके। ओके ओके ठीक है केशव, बता देता हूं अभी, ठीक है, तो एक बार आंसर सॉल्व कर लेते हैं। इन विच डायरेक्शन इज के विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी के रिस्पेक्ट में के कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज, इन विच डायरेक्शन इज के, तो ये गलत नहीं बना है, h at the rate की means क्या है, h is to the right of k at a distance of 3 meter, correct है ये, तो h का right तो उस side होगा ना, ये तो left side बना दिया ना, h is to the right of k, not k is to the right of h, first person is to the right of second person, अगर मैं k को यहाँ पर कर दूंगा तो k will be to the right of h, but ये नहीं ना इसका meaning, इसका meaning ये है first person is to the right of second person, okay अंजलि, ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है केशव, मैं रिपीट कर दूंगा अभी एक बार, इन विच डायरेक्शन इज के विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये देखो डायरेक्शन कौन सा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओके आप इसको एक बार कॉपी डाउन कर लो सॉल्यूशन को, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। सर ये सिंबल्स का क्वाड्रेंट में कैसे प्लेस करना है वो बता देना, ओके 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 केशव, ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ एक बार, ठीक है, देखो देखो सिंबल्स विल बी प्लेस अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज व्हिच इज गिवन इन द डायरेक्शंस, ओके तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक सेकेंड,
ठीक है। अब यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट दिया हुआ है यू कैन नॉट प्लेस दैट, प्लेस इट इन द क्वाड्रेंट, आप सिर्फ डायरेक्शन को प्लेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है केशव, एक्स हैज वाई, यहाँ पर क्या लिखा है कि फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन है, एक्स, ठीक है, एक्स इज टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ वाई, मीन्स ये जो हैश है ये क्या दिखा रहा है, ये साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, ठीक है। और कितना डिस्टेंस है, क्योंकि हम इस चीज को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ये जो पॉइंट है फोर क्वाड्रेंट यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं, या इसको बोल सकते हो आप जीरो पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के रेफरेंस में ये साउथ डायरेक्शन है, और हैश का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन, कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे, ओके। सिमिलरली एट द रेट का मीनिंग राइट है, तो आप इसको प्लेस नहीं कर सकते क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर क्या है, हैश, हैश का मीनिंग क्या है, टू द नॉर्थ डायरेक्शन, एक्स इज टू द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका परसेंटेज, ठीक है, और कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, ये 9 मीटर है, ठीक, समझ में आया केशव, क्वाड्रेंट में क्या प्लेस करना और कैसे करना, ठीक है। एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, वापस से आप देख लो, ठीक है। डायरेक्शन को पढ़ते समय हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपने जब सिंबल्स को पुट कर दिया क्वाड्रेंट में, उसके बाद ये बात पता होनी चाहिए आपको कि ये लोग किस तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन को रख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन, या सेकंड पर्सन को रख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर सारी डिटेल जो दी हुई है डायरेक्शन में, इसमें फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन को रेफरेंस माना है, एंड देन सेकंड पर्सन को उसके अकॉर्डिंग पुट किया है। जैसे एक्स इज टू द लेफ्ट ऑफ वाई, एक्स इज टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ वाई, करेक्ट। अब जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन देखो, बी एट द रेट डी, एट द रेट का मीनिंग क्या है, राइट, मीन्स फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज टू द राइट ऑफ वाई, दैट इज फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन। बी एट द रेट डी का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट पर्सन इज राइट टू द सेकंड पर्सन, दैट इज बी इज टू द राइट ऑफ डी। तो अगर आप डी को यहाँ पे प्लेस करते हो जीरो पॉइंट पर, तो बी को आप यहाँ प्लेस कर लोगे, और इसमें डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, 3, ओके। उसके बाद डी परसेंट बी, परसेंट का मीनिंग क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ ऑफ सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर डी विल बी टू द नॉर्थ ऑफ वी, तो वी आपका यहाँ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 9 मीटर। उसके बाद वी हैश एच, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज टू द साउथ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन, मींस वी इज टू द साउथ ऑफ एच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो एच आपका यहां पर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5, और ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक। एच एट द रेट के का मीनिंग क्या है, यहां पर मीनिंग है राइट, कौन, फर्स्ट पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, इट मींस एच इज टू द राइट ऑफ के एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ओके। समझ में आया केशव, कैसे बनाना है इसको, बाकी दीपाली, दिव्या, राखी, वंशिका, क्लियर है? हेलो सर जी। केशव, हमने इसमें बी को डी के 3 मीटर राइट में रखा, तो अगर डी नॉर्थ फेस कर रहा होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा, बट डी तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि नॉर्थ फेस कर रहा है। नहीं, आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, और आपको डायरेक्शन किसी का पॉइंट नहीं दिया हो, तो आप हमेशा रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करना, ठीक है, और हमेशा उसको नॉर्थ फेस मानना, ये आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। आपने जब सिंपल क्वेश्चन भी करे होंगे तब हम इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ओके केशव। ऑब्वियस ये बात है कि अगर वो नॉर्थ साउथ फेस करेगा तो अलग हो जाएगा, ईस्ट फेस करेगा तो अलग हो जाएगा, वेस्ट फेस करेगा तो अलग हो जाएगा। हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, नॉर्थ फेस करा के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ओके। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सब लोग ट्राई करो इसे, आप लोग ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये जो कोडेड डायरेक्शन वाले, ये मेंस के लिए है आपके, ठीक है, और एसएससी के लिए तो ये सिलेबस में नहीं है, मतलब एसएससी के सिलेबस में तो है नहीं, बैंकिंग के मेंस में आता है कोडेड डायरेक्शन। केशव, एनी डाउट?
ओके सॉल्व करते हैं इसे. ठीक है फर्स्ट वी विल डू अ क्वाड्रेंट हियर. ओके सेम डायरेक्शन है 1 to 4 के लिए. एम परसेंट एन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट पर्सन इज टू द नॉर्थ ऑफ सेकंड पर्सन. तो अब क्या करोगे आप, एन को यहां पर मान लो इनिशियली और एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन. करेक्ट, एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 meters. उसके बाद अब देखो आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे. यहां पर ना अब आपको आंसर आना शुरू हो गया. बी परसेंट एन, यहां पर आप कोमा लगा हुआ है ना, तो अब आपको देखना है कैसे, आपको एम या एन दिया हुआ है ना, तो एम से रिलेटेड डाटा देखो. क्यू स्टार एम, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन एट डिस्टेंस ऑफ 7 meters. इट मींस क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 meters. ओके उसके बाद अब एन और जी से रिलेटेड डाटा है आपके पास. एन परसेंट जी का मतलब क्या है? एन इज टू द नॉर्थ ऑफ जी एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 meters. एन इज टू द नॉर्थ ऑफ जी एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 meters. करेक्ट. उसके बाद क्या है? एल स्टार क्यू, इसका मतलब क्या है? एल इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू. एल इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 meters. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 meters. करेक्ट. आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एन. तो क्यू और एन के बीच में आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें आपका. 9 square is equal to what? 81. 7 square is equal to 49. तो योर करेक्ट आंसर विल बी √130. √130 विल बी योर करेक्ट आंसर. समझ में आया सब लोगों को? सब लोगों को क्लियर? एक बार बता दो फटाफट से. ओके ट्राई करो इस क्वेश्चन को. डन. चलो देखते हैं सर हुआ क्या आप लोगों का. ओके बी आंसर आया दिव्या का. ओके दिवाली आपका क्या आंसर है? बी. ओके सबका आंसर मैच करेगा तो फिर आप बता देना कराने की जरूरत है या नहीं, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. पी ओके केशव अंजलि वंशिका बी राखी का भी आ गया. ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें. ओके ठीक है इसको भी करो फटाफट से सब लोग क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 4 को
लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. E hash F means E is to the south of F at a distance of 5 meter. F star H means F is to the left of H at a distance of 7 meter. H percent G means H is to the north of G at a distance of 9 meter. G star I means G is to the left of I at a distance of 7 meter. Okay, so I will be somewhere here at a distance of 7 meter. Okay, then find that distance between E and H. So you have to find that distance between E and H. So what will be the correct answer? E and H, 7 square is equal to 49, 5 square is equal to 25. Under root 74. Option number D is your correct answer. Okay, clear? सब लोग का आ गया answer. Okay. चल. Okay. चलो. जी ये question try करो, इसको एक बार देखते हैं, फिर आप लोग मैं fifth question solve कराता हूँ. 6, 7, 8 आप try करना. ठीक है. चलो. पहले सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्शन को पढ़ना है. ठीक है, डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, x डॉलर y, इट मींस y इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ x एट डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर. ठीक है, x एक्सक्लेमेशन y मींस y इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ x एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. x एंड y मींस y इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ x एट अ डिस्टेंस ऑफ 13. सिमिलरली ये भी है इन द वेस्ट डायरेक्शन. अब यहाँ पर ये चीज आपको एक्स्ट्रा दी हुई है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, x एक्सक्लेमेशन और ये सिंबल जो भी है y, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ x. पहली चीज यहां पर नोट करने की ये है कि आपको चारों डायरेक्शन दे रखे, तो आप एक क्वाड्रेंट बना सकते हो साइड से. ठीक है, ठीक है, यहां पर देखो नॉर्थ के लिए क्या है आपका एक्सक्लेमेशन है यहां पर, के बाद एंड किसके लिए आपका साउथ के लिए कौन सा है डॉलर, फिर उसके बाद एंड किसके लिए ईस्ट के लिए, एंड यहां पर आप प्लेस कर सकते हो. एंड ये जो सिंबल है ये वेस्ट डायरेक्शन के लिए आपके. ठीक है, उसके बाद आपकी डिस्टेंस भी आप लिख सकते थे यहां पर 9, ये आपका 6 है, ये आपका 13 मीटर है और ये आपका कितना है 11 मीटर. करेक्ट. अब यहां पर पहली दूसरी चीज आपको क्या नोट करनी है कि यहां पर डायरेक्शन में जो भी चीज दे रखी है, अब वो सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन दे रखा है. लास्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड था, बट यहां पर सारा डायरेक्शन जो दिया हुआ है वो सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको. ठीक, उसके बाद ये चीज और यहां पर एक्स्ट्रा दी हुई है, दो सिंबल्स को कंबाइन कर दे. देखो आपको पता होगा कि दो तरह के डायरेक्शंस होते हैं. बोलिए दीपिका. हेलो सर. बोलिए. जो बताया आपने. अच्छा सॉरी, एक बार आप बोलो वापस से. सर आपने जो बताया ना वो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. ओके, वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का रेफरेंस नहीं, इसी क्वेश्चन में. ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, मैं ये बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर क्या है, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो भी डाटा डायरेक्शन में हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो फर्स्ट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन थी, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन. ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्शन दिए हुए साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट. ठीक है, आपने जब इनिशियली पढ़ा होगा तो बेसिक्स में आपको पता होगा कि हमारे पास डायरेक्शन होते हैं दो तरीके से, एक तो मेन डायरेक्शन होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं. ठीक है, अगर आप सिंबल्स को कंबाइन करोगे तो आपको कार्डिनल डायरेक्शन मिलेगा. ठीक है, जैसे कि यहां पर आपने जब डॉलर और एंड को कंबाइन किया, डॉलर आपका साउथ के लिए है और एंड आपका ईस्ट के लिए है, तो साउथ ईस्ट बन जाएगा.
साउथ ईस्ट जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। तो जब भी आप दो सिंबल्स को कंबाइन करोगे तो दोनों सिंबल्स कंबाइन होकर आपके किस में बन जाएंगे, ये कार्डिनल डायरेक्शन बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात? इतनी सी बात समझ में आई सब लोगों को, एक बार बता दो। ओके ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो तो चीजें ध्यान में रखनी है वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब बस क्वाड्रेंट देखो, आपको डिस्टेंस पता है और बस व्हाट पुट करते चाहो उसमें चीजों को। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या हुआ है, देखो यहां पर ए, देखो सेकंड पर्सन दैट इज सी इज टू द विच डायरेक्शन ऑफ ए, सी इज टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो अगर आप ए को यहां प्लेस करते हो, ठीक है, तो सी कहां पर है, सी कहां पर है, सी इज टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए, क्योंकि सेकंड पर्सन के बारे में दिया हुआ है, तो सी आपका कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगा। अब सी की एग्जैक्ट पोजीशन को आप लोकेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको डिस्टेंस नहीं पता, सिर्फ डायरेक्शन पता है यहां पर कि सी इज टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए। आपने यहां प्लेस कर दिया, ए को आपने क्या माना, रेफरेंस जीरो पॉइंट पर रखा। नेक्स्ट, सी एक्सक्लेमेशन बी का मतलब क्या है कि बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी, बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी। तो अभी आपको ये नहीं पता कि बी किस तरफ है एग्जैक्टली, तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो कि बी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है, बी एंड डी, बी एंड डी का मतलब क्या है, डी इज टू द, डी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, ठीक है, डी इज टू द ईस्ट ऑफ बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर। ठीक है, इसको आप लास्ट में पूरा एक साथ उठाकर प्लेस कर दोगे इसमें। फिर डी एक्सक्लेमेशन ई का मतलब क्या है, डी एक्सक्लेमेशन ई का मतलब यह है कि डी इज टू द, सॉरी ई इज टू द नॉर्थ ऑफ डी, ई इज टू द नॉर्थ ऑफ डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ठीक, अब ये देखो लास्ट क्या दिया हुआ है, ए, ये जो भी सिंबल है बी, इसका मतलब ये है कि बी इज टू द, बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर। तो बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए, तो यहां पर आ जाएगा 11 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक, अब सी से जस्ट ऊपर दैट इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन कौन था, बी था, डिस्टेंस कितना था 6, तो ये यहां पर 6 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद बी के ईस्ट में डी था 13 मीटर पे, तो ये 11 तो ऑलरेडी हो गया, तो डी यहां पर आ जाएगा, यहां डिस्टेंस कितना रह जाएगा 2। डी से जस्ट ऊपर कौन था, ई था, ई यहां पर आ जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इन द नॉर्थ। तो ये आपका बन गया पूरा का पूरा चार्ट। क्या समझ में आया सब लोगों को, अंजलि, दीपाली, दिव्या, केशव, राखी, वंशिका? अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर कर दो। ए इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू डी एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, ए इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखते हैं इसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के ऊपर कोई और क्वेश्चन है क्या आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड वी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन सेम है, ई और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना, निकाल लोगे आराम से, कितना हो जाएगा 13 + 6 स्क्वायर, करेक्ट। ई और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, क्या हो जाएगा 13² + 6² ओके, तो क्या हो जाएगा 13² = 169 एंड 6² = 36, सो योर करेक्ट आंसर विल बी √205। दिव्या, कोई डाउट है क्या? करेक्ट करेक्ट, ठीक है, चलो ओके। एक और क्वेश्चन है सेम बेसिस पर, ई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। फाइंड क्या करना है, ध्यान से सुनो, ई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ठीक है, ई का क्या डायरेक्शन है ए के रेफरेंस में और डिस्टेंस क्या है वो बताना है। ई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में √40, 6² = 36, 2² = 4, √40 इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आया बाकी लोगों को, राखी, दिव्या, दीपाली?
बता दो एक बार बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके चलिए, सेम उसके बेसिस पर ये C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E, C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E, देख लेते हैं इसको, C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E, तो ये क्या हो जाएगा बताओ आंसर इसका, साउथ वेस्ट, करेक्ट केशव, ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 528 सब लोगों को, क्वेश्चन नंबर 528 क्लियर है सबको, ठीक है, ओके मुझे एक चीज बताओ, क्या लास्ट वीक आपके बैच में कोई डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की वर्कशीट शेयर हुई है आपके साथ? शायद ग्रुप चेक कर लिया करो बेटा, ठीक है, आपने मुझे मैसेज किया था सर, आपने कि सर हमें थोड़ा मटेरियल और चाहिए प्रैक्टिस के लिए, इसलिए वो मैंने शेयर कराई थी आपके साथ, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू टुडे कि आपको ये जो क्लास मैंने ग्रुप में चेक नहीं किया अभी, ठीक है, मैं एक बार और ग्रुप में उसे सेंड करवा दूंगा, शेयर करवा दूंगा, मैं आपको ये आज क्लास प्रेजेंटेशन दे दूंगा ये, ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन हैं कोडिड के वो प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना उनको सॉल्व करके, वर्कशीट को प्रैक्टिस कर लेना, तो जो भी ठीक है, हाँ हुआ है शेयर, ऋषभ बोल रहा है, तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है, तो क्या करना, इसको भी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन अभी जितने मैं करा दूंगा क्लास में उतने, ठीक है, जो भी रिमेनिंग रह जाएंगे क्लास प्रेजेंटेशन के उसको प्रैक्टिस कर लेना, करके देख लेना, और वर्कशीट है उसको भी कर लेना पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले, तो इसके जो भी डाउट्स होंगे आपके कोडेड डायरेक्शन या उस वर्कशीट के, तो पहले वो ले लेंगे और उसके बाद फिर कोडेड ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 9 to 11 ट्राई करो आप लोग, डायरेक्शन को हमेशा केयरफुली पढ़ना है जब भी कोडेड की बात करेगा, क्योंकि वो जो भी अल्टरेशन है, जो भी चेंजेस कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो डायरेक्टली स्टेट कर रहा है डायरेक्शन के अंदर, तो अगर आप उसको केयरफुली नहीं पढ़ोगे तो मिस्टेक करने के चांसेस है, अगर आपने डायरेक्शन पढ़ लिया अच्छे से तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 देखो, ट्राई करो इसको एक बार खुद से, प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की, स्कोर बढ़ रहा है आपका रीजनिंग सेक्शन में, दीपाली केशव स्कोर इंप्रूव हो रहा है, 16 को 6.28 पे, मतलब केशव क्या कह रहे हो आप, स्टेबल, ये जो क्वेश्चन दिया है 50% क्यू उसके बाद 22 लिखा है, तो अपन 50% क्यू के लिए 50% आर का ही लेंगे ना, फिर ये 22 ये क्या दिया है ये समझ में नहीं आ रहा, कौन सा पढ़ा, डायरेक्शन के अंदर नहीं, ये नीचे दिया है जो क्वेश्चन दिया है, 50% क्यू का पहले मीनिंग समझते हैं, ठीक है, वो क्या कह रहा है, डायरेक्टली स्टेट नहीं करेगा, ठीक है, आई विल जस्ट कम बैक टू इट केशव जस्ट अ सेकंड, ठीक है, -2 टाइम है सर, ओके, पॉइंट ये है यहाँ पर दिव्या कि P परसेंट Q 22 लिखा हुआ है, तो डायरेक्शन तो आपको समझ में आ रहा है, और कि परसेंटेज का मीनिंग यहाँ पर साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, बट यहाँ पर ब्रैकेट में जैसे आप चेक कर रहे हो, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 22 लिखा है, यहाँ 14 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 10 का इन्होंने 12 कर दिया, 15 का 17 कर दिया, 22 का 24 कर दिया, और 14 का 16 कर दिया, मतलब ये +2 कर रहे हैं जो भी डाटा दे रहा है एक्चुअल में, ठीक है, हाँ। तो दिव्या यहाँ पर इसका मतलब ये है, अगर मैं डायरेक्शन के सेंस में पढ़ूं इसे, दैट P इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, आया समझ में, करेक्ट, ओके दिव्या क्लियर हुआ, ओके ठीक है केशव, स्टेबल स्कोर आ रहा है, इसका मतलब एक चीज बताओ, क्या चीज ऐसी है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे,
आप किसी भी सेट में अगर 20 मार्क्स का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल है, ठीक है, तो इसमें से कितना स्कोर आप कर पा रहे हो, बिकॉज यही आपको बूस्ट देगा एग्जाम में, और यही नहीं हुआ तो यही आपको क्या कर देगा, यही आपको ना डिमोटिवेट कर देगा। रीजन क्या है कि 20 मार्क्स एक पजल भी अगर जाता है तो 5 मार्क्स का पूरा आपका काम खराब हो जाता है। ओके दीपाली, ब्लड रिलेशन में जो आपको जो बैंकिंग के प्री में पूछता है वो आपसे पूछता है ट्री स्ट्रक्चर, फैमिली ट्री पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और जब मेंस की बात होती है तो कोडेड पूछता है। तो प्री क्वालिफाई करने के लिए आपकी कमांड होनी चाहिए किसके ऊपर, आपकी कमांड होनी चाहिए जो आपका फैमिली ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट्स आए आप मुझे सेंड करो टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, वो आपको मैं सॉल्व करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कभी 10 कभी 15, ठीक है। और बाकी का स्कोर केशव, 20 में से अगर आप चलो फॉर मैक्स मान के चलते हैं 10 नंबर आप लेके आ रहे हो, तो बाकी के 15 में से 15 आपको लाने पड़ेंगे, वहां पर फिर आप कुछ भी लैक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 25 तो मिनिमम स्कोर आपको रखना ही पड़ेगा, 35 में से इससे कम पे बात नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप 10 ला रहे हो तो आप वहां पर फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वहां 15 में से 15 लाने पड़ेंगे, लेकिन अगर 15 है तो चलो वहां पर 13 ले आओ 12 ले आओ चल सकता है, ठीक है। ओके वेरी गुड दीपाली, कीप प्रैक्टिसिंग, तो जो अभी बनने लगे हैं उसमें स्पीड भी आ जाएगी। ओके थोड़ा सा बूस्ट करो केशव, होगा टाइम टू टाइम, टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस से चीजें आगे होंगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डायरेक्शन दे रखा है उसे क्वाड्रेंट में बना के प्लेस रख लेंगे पहले यहाँ पर। पी परसेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ द सेकंड पर्सन, सारा डाटा यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये फर्स्ट पर्सन टू द सेकंड पर्सन दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। परसेंटेज का मतलब क्या है, साउथ है तो परसेंटेज यहाँ आ जाएगा आपका। उसके बाद डॉलर का मीनिंग क्या है, नॉर्थ, डॉलर यहाँ आ जाएगा। डिस्टेंस भी पुट कर लेते हैं, जैसे 12 है, ठीक है, यहाँ पर अब डिस्टेंस है मतलब तो है नहीं कुछ, बट प्लस टू हो रहा है तो यहाँ पर आप ये लिख लो प्लस टू हर जगह, बस बात खत्म, जो भी डाटा दिया हो उसमें प्लस टू कर देना। उसके बाद हैश का मतलब क्या है, वेस्ट डायरेक्शन, इसमें भी प्लस टू होना है, सब में प्लस टू होना है। फिर यहाँ पर क्या है, एंड है, एंड का मीनिंग क्या है, प्लस टू, ये ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका डाटा रीड करने के लिए, और ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट पर्सन विद रेफरेंस टू सेकंड पर्सन बस। ओके चलिए ओके ठीक है, पी परसेंट क्यू, क्यू परसेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन, तो पी इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 24 मीटर, करेक्ट, ये चीज तो समझ में आ गई होगी अब। उसके बाद पी हैश एस, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन, एस के वेस्ट डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे, 7 मीटर पे। उसके बाद क्यू एंड यू, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन, तो यू यहां आ जाएगा और ये 70 हो जाएगा। यू डॉलर डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, यू इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यू इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। ओके तो थोड़ा सा यहां पर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा, ये 30 डिस्टेंस है, ठीक है। P और W एक लाइन में नहीं है, वो 6 मीटर का डिफरेंस थोड़ा सा समझ के चलना, ठीक है। फिर Y एंड P, Y एंड P का मतलब क्या है, Y फर्स्ट पर्सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ सेकंड पर्सन, मीन्स Y इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ P, तो Y आपका यहाँ पर आ जाएगा समवेयर, और ये आपका 8 हो जाएगा क्योंकि 7 तो ऑलरेडी है। तो ये बना आपका क्वेश्चन, क्या क्वाड्रेंट आपका ऐसे ही बना था, सब लोगों का बता दो एक बार, क्या क्वाड्रेंट ऐसे ही बना है, ओके क्वेश्चन क्या है, क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में क्यू कहां है, ये तो आप इजीली बता सकते हो ना, क्या आंसर होगा इसका,
क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सर पी एंड वाई का डिस्टेंस तो 17 होगा ना, देखते हैं दीपाली. पी और वाई का 17, ओके करेक्ट करेक्ट, यहाँ पर हाँ 17 है, बिल्कुल सही दीपाली. तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, बस ये 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा. ठीक है ये 10 हो जाएगा. ओके उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में क्या डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस निकालना है आपको क्यू और एस का. करेक्ट दिव्या, इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट याद है, वेरी गुड. ठीक है 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका 576, और ये होता है आपका 49, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6. अंडर रूट ऑफ 625 क्या होता है आपका 25 होता है. तो नेक्स्ट वाले का आपने क्वेश्चन देख लिया और इसका आंसर है आपका 25. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एस देखते हैं. डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये 24 मीटर यहाँ पे खत्म हो रहा है और 6 नीचे डिफरेंस है, क्योंकि मेरे पास प्लेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस किया, बट यहाँ पर 6 का डिफरेंस है. तो एस के रिस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन होगा डब्ल्यू का, साउथ वेस्ट होगा. ठीक है चलिए ओके क्लियर है चीजें. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12-13 ट्राई करो. ओके इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करना. ठीक है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. यहाँ पर क्या है अगेन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दे रखा है, पहले फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन. एंड का मीनिंग क्या है साउथ, परसेंट का मीनिंग क्या है ईस्ट. एट द रेट का मीनिंग क्या है नॉर्थ. उसके बाद हैश का मीनिंग क्या है वेस्ट. ओके यहाँ डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग, यहां पर डिस्टेंस में क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी दिव्या, क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ. करेक्ट ठीक है जो भी दे रखा है उसमें -22 करना है. ठीक है चलो सॉल्व करते हैं इसे. ए एट द रेट बी, इसका मतलब क्या है ए एट द रेट का मींस ए इज इन द नॉर्थ ऑफ बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. ए इज इन द नॉर्थ ऑफ बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, कोई दिक्कत यहां पे. उसके बाद नेक्स्ट है सी डी. ठीक है तो देखो इसमें क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो जहां पर आपको कनेक्टिंग मिले ना कनेक्टर्स मिले वहां से क्वेश्चन को आप कनेक्ट करते जाओ. ए और बी मिल गया, अब ए और बी के रिगार्डिंग डाटा यहां पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो. B परसेंट C, इसका मतलब क्या है B इज इन द ईस्ट ऑफ C एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. करेक्ट इसका मतलब क्या है B इज इन द ईस्ट ऑफ C एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. हाँ या ना. ठीक है ये आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर. ओके उसके बाद BC हो गया, उसके बाद देखो C और D, C और D को कनेक्ट कर सकते हो आप. C इज इन द वेस्ट ऑफ D एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट
सी इज इन द वेस्ट ऑफ डी एट डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, तो डी आपका यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं बीच में, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से 20 को, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर, तो ये 16 हो जाएगा आपका और ये आपका 4 हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी आपने पुट कर लिया, सी और डी का भी हो गया। उसके बाद आप ई और डी को भी कर सकते हो, ई परसेंट डी मीन्स वॉट, ई इज इन द ईस्ट ऑफ डी, ई इज इन द ईस्ट ऑफ डी एट अ डिस्टेंस ऑफ वॉट 30 मीटर, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं, 30 मीटर है तो ये 4 हो गया, तो 26 ई हो जाएगा आपका, ठीक, ये भी आपने पुट कर लिया, ओके। जी और एफ आप पुट कर सकते हो, नहीं, जी और एच नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ आ जाओ ई और आई, ई और आई, ई इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ ई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। उसके बाद एफ एट द रेट आई, एफ एट द रेट आई मीन्स एफ इज इन द नॉर्थ ऑफ आई एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, तो एफ आपका यहाँ आ जाएगा समवेयर बिलो ए, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, ये 6 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, और जो एफ है आपका वो ए से नीचे होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 3 है और ये 2 है, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, ओके, ये हो गया। उसके बाद डब्ल्यू एंड एफ, एट द रेट मीन्स वॉट, डब्ल्यू इज इन द नॉर्थ ऑफ एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर, तो डब्ल्यू आपका कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 17 मीटर। यहां तक क्लियर है सबको, बताओ मुझे, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, एक बार बता दो। उसके बाद आपके पास सिर्फ दो एक्सप्रेशंस रह गए हैं, जी एफ, जी और एच। तो आपके पास एफ है, एफ है आपके पास, तो आप पुट कर सकते हो, देखो यहां पर जी जी हैश एफ, इसका मतलब क्या है, जी इज इन द वेस्ट ऑफ एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर, तो यहां से 42 मीटर का मतलब ये 26 हो गया, तो 16 और हो जाएगा, तो जी आपका कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, नॉट एग्जैक्टली एट द टॉप ऑफ सी, बट समवेयर बिटवीन सी एंड डी, समवेयर बिटवीन सी एंड डी, कौन आ जाएगा आपका, जी आ जाएगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका कितना है, 26 प्लस ये और हो जाएगा आपका 16, ओके, तो ये भी हो गया आपका जी एंड एफ, तो बचा क्या आपका जी एंड एच, इसका मतलब क्या है कि जी इज इन साउथ ऑफ एच एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, जी इज इन साउथ ऑफ एच एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ठीक है, तो एच आपका लेट अस सपोज यहां प्लेस कर देते हैं इस तरफ कहीं, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर स्पेस का इश्यू देख लेना, समझ में आ रहा सबको, यहां पर समझ में आ गया सबको, एक बार बता दो, क्योंकि हमने सारे एक्सप्रेशंस पुट कर लिए हैं इसके अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इसमें कम से कम आपके 3 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे मिनिमम, ठीक है, इसी डाटा के ऊपर, ओके। अब देखो आपसे क्या बोला जा रहा है, इस बात को ध्यान से सुनना, ये बना लिया आपने, इफ एक्स एट द रेट जी, इसका मतलब एक्स इज इन द नॉर्थ ऑफ जी एट अ डिस्टेंस ऑफ 23, तो डिस्टेंस कितना हो गया फिर एक्स और जी के बीच में, बताओ इस एक्सप्रेशन में डिस्टेंस कितना होगा एक्स और जी के बीच में, दिव्या, एक्स एट द रेट जी मीन्स एक्स इज इन द नॉर्थ ऑफ जी एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 23, मतलब आंसर करो, केशव क्या होगा, x at the rate g 23 का मतलब हुआ x is in the north of g at a distance of 1 meter, अंजलि 26 नहीं होगा, आपको माइनस करना है उसमें से कितना, 22, सारे एक्सप्रेशंस में 22 सबट्रैक्ट हुआ है ना, तो x is in the north of g at a distance of 1 meter, तो अब यहां पर अगर आप देखो, अगर आप जस्ट x को ऊपर लेके जाओगे g से at a distance of 1 meter, तो x और a आपके एक लाइन में नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 मीटर बिटवीन ए एंड एफ, सिमिलरली बिटवीन जी एंड ए, तो अगर एक्स को आप 1 मीटर ऊपर रखोगे जी से, तो एक्स एंड ए विल बी इन अ सिंगल लाइन, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स, तो ए और एक्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 16 मीटर होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, ये 16 है, और एक्स विल बी समवेयर अबव जी, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई, बताओ, ये चीज क्लियर हुई केशव, कोई दिक्कत समझने में,
Now let's look at the next question on the basis of the same expression. Question number 13. What is the direction of A with respect to W? बताओ इसका आंसर करो आप लोग. What is the direction of A with respect to W? Easy है ये तो. Southwest. Southwest is the correct answer. ठीक है. Okay. तो हमारी इस वर्कशीट में एक क्वेश्चन रिमेनिंग है 14 टू 18 कोडेड में. ठीक है, ये वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा विद आंसर की. इसको देख लेना एक बार. ठीक है, क्वेश्चन को कर लेना, ट्राई करना इसको कोडेड में. ठीक है, वर्कशीट दे रहा हूँ वो भी आप ट्राई कर लेना. उसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हैं. ठीक है, इसमें और उसमें मिलाकर अगर कोई डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे. और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन. ठीक है, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्लियर हुआ सब लोगों को? कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्लियर हुआ बेटा? ओके, कोई बात किसी को कहनी है या फिर सेशन को एंड करें? कोई डाउट, कोई पॉइंट, कोई क्वेरी किसी तरह की? अंजलि, दीपाली, दिव्या, केशव, राखी, वंशिका, ओके सर, 2022 की फर्स्ट क्लास है ना? हाँ केशव, आज आना और डाइस को एंजॉय करना. ठीक है, ओके दीपाली, ठीक है, डाइस दोपहर में आज हम लोग 2 बजे करेंगे. सब लोग आना और उसको देख लेना. ठीक है, ओके चलो फिर. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. वर्कशीट दे दूंगा आपको, आप कर लेना और डाउट्स हो अपने वो निकाल लेना. ठीक है, तो डिस्कस कर लेंगे फिर. बाय बाय. यू आर नाउ म्यूटेड. Thank you.